नमस्कार दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि डिम्पी को वनराज के प्लान के बारे में पता चल जाता है। डिम्पी अपने बच्चे को लेके शाह परिवार के घर से निकल जाती है। टीटू डिम्पी को रहने के लिए अपने एक फ्रेंड का घर का इंतजाम करता है। डिम्पी टीटू के दोस्त के घर रहने के लिए पहुंच जाती है और अनुपमा को फोन करके जो कुछ भी हुआ सब कुछ बोलती है। अनुपमा एकदम डर जाती है क्योंकि अनुपमा को पता है वनराज गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अनुपमा डिम्पी को ये पूछती है कि वो अब कहाँ पे है, लेकिन डिम्पी बोलती है कि मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित है। श्रुति को लेके आत्या और अनुज घर पहुंच जाते हैं। आत्या श्रुति को एक वेलकम बैग का कार्ड देती है। कार्ड देख के आत्या ये बोलती है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। ये सुन के अनुज एकदम खुश हो जाता है। वहां यशदीप के साथ अनुपमा डिम्पी के प्रॉब्लम शेयर करती है। यशदीप अनुपमा का हौसला बढ़ाता है। अनुपमा बाकी सब चीज भूल के सिर्फ सुपर शेफ कॉम्पिटिशन के सेमीफाइनल के लिए तैयार होने का डिसीशन लेती है। अनुपमा अपना पूरा फोकस सुपर शेफ कॉम्पिटिशन जीतने में लगाने की प्रण लेती है। क्या डिम्पी वापस शाह परिवार के साथ जुड़ जाएगी? क्या अनुपमा सुपर शेफ कॉम्पिटिशन पे अपना फोकस लगा के सुपर शेफ कॉम्पिटिशन जीत पाएगी? क्या अनुपमा और अनुज के बीच की नजदीकियां और बढ़ जाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।